एक गोले का आयतन वॉल्यूम कितना है वो निकालने में था. कितना होता है वो आयतन वॉल्यूम का गोले का? 4/3. ज़्यादातर लोगों को पता है 4/3 पाई आर क्यूब. कभी हमने सोचा क्यों है? और कुछ लोगों ने जिन्होंने 12वीं में गणित करी हो या बीएससी में गणित करी हो तो कैलकुलस करा के वो अपन दिखा भी देते हैं, उनके कुछ स्लाइसेस काट कर प्रूव भी कर देते हैं. लेकिन जब आर्किमिडीज का सबसे बड़ा योगदान क्या था, उसने 4/3 पाई आर क्यूब की सबसे पहले खोज करी. एक गोले का आयतन वॉल्यूम कितना है वो उसने खोज करी. और तब तो कैलकुलस था भी नहीं. तो जब हम किताबों में अपनी पढ़ते थे तो मुझे हमेशा ये लगा कि 4/3 पाई आर क्यूब है. अब जब मैंने पढ़ा कि जिस चीज की खोज बिना कैलकुलस के हुई उस चीज को उसी तरह से हमारी किताबों में क्यों नहीं रखा गया. और उसकी कहानी इसलिए भी रोचक है, आर्किमिडीज जब इसकी खोज कर रहा था तो रोमन राजा ने बोला था कि इसका सर काट के लाकर मुझे दो. इधर वहां यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब निकाल रहा है, उधर एक सैनिक खड़ा है कि इसका सर धड़ से अलग कर दे. और उसने क्या कहा कि सर धड़ से अलग करो लेकिन जो नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला है इसे मिटाना मत धरती पर. आज भी उसके जो ग्रेव है जहाँ पर वो दफनाया हुआ है उसकी कब्र पर आज भी वो शंकु बना हुआ है, गोला बना हुआ है और वो फॉर्मूला है. और सोचिए एक इंसान ने इस वॉल्यूम के पीछे अपनी सर धड़ से अलग करा दिया. सर भी उसका गोला ही था. बट द होल पॉइंट इज नाउ सडनली व्हेन आई रीड, मैं जब ये कहानी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ये कहानी आर्किमिडीज की सच्ची कहानी, जिसने 4/3 की और किस तरह से ईजाद करा उसने, कोई कैलकुलस नहीं लगाया दूरी बटा बल कितना है. ये दो सिद्धांत लगाए, एक तो लीवर का सिद्धांत और एक पाइथागोरस का प्रमेय, ये दोनों को इस्तेमाल करके उसने 4/3 पाई आर क्यूब निकाल दिया. बट माय पॉइंट इज थिंक नाउ हाउ मैथ हैज कम अलाइव बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. ये कहानी बतानी उतनी ही जरूरी है जितना आप उनको समीकरण सॉल्व करना सिखाते हैं.